अपने ही घर में कुछ ऐसे ऑयल्स बनाना शुरू कर दिए, कुछ ऐसे प्रोडक्ट से चीजें बनाना शुरू कर दी जो लोगों को घर बैठे बहुत ही आसानी से मिल सकती हैं और वो अपने बालों को, अपनी जो स्किन है उसको बेहतर बना सकते हैं। आपके पास क्या क्या है, लाइक ऑयल कौन सा है और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स इसके अलावा? हेयर ऑयल जो है मार्केट में इतने ज्यादा बिक रहे हैं और वो ऐसे ऐसे गारंटी देते हैं, 100% गारंटी है आपके बाल दोबारा आ जाएंगे, लंबे हो जाएंगे, गिरेंगे नहीं, दो मुए खत्म हो जाएंगे, पता नहीं क्या क्या होता है। तो आप क्या कहती हैं, आपका हेयर ऑयल क्या बात है, आप मुझे ये बताएं कि इसको आप क्या कहते हैं, सजेस्ट क्या करती हैं कि वीक में कितनी बार लगाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, वॉइस ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान मरियम इकराम। जनाजन, कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने औरत में इतनी हिम्मत दी है कि अगर वो चाहे तो पूरी दुनिया को अकेले ही फतह कर लेती है। तो इसी तरह से आज बा हिम्मत खातून हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है अस्मा उस्मान। इन्होंने अपने ही घर में कुछ ऐसे ऑयल्स बनाना शुरू कर दिए, कुछ ऐसे प्रोडक्ट से चीज़ें बनाना शुरू कर दी जो लोगों को घर बैठे बहुत ही आसानी से मिल सकती हैं और वो अपने बालों को, अपनी जो स्किन है उसको बेहतर बना सकते हैं। ये इस तरह से है कि मैं ना अपने ऊपर बहुत एक्सपेरिमेंट्स करती रहती थी, लाइक कहीं से अम्मियों दादियों के नुस्खे ले लिए और यूट्यूब, और आजकल तो सारा ग्लोबल वर्ल्ड है, तो मैं इस तरह देखती रहती थी। फिर मैंने वहाँ से अपने ऊपर रेसिपीज़ अप्लाई करती थी और देन मैंने एक चीज़ बनाई, एक ऑयल बनाया जो मैंने अपने ऊपर लगाया, जिसने मुझे बहुत ग्रोथ दी हेयर्स पे, मैंने बहुत अच्छा रहा। फिर मेरी सिस्टर्स ने, कज़न्स ने कहना शुरू कर दिया कि आप हमें भी बना के दें। एक दो महीने तो मैंने इस तरह कर लिया। देन मैंने एक मास्टर्स इकोनॉमिक्स में किया हुआ है, तो मेरे माइंड में एक वो बिज़नेस वाला सेटअप कहीं ना कहीं था, तो मैंने यही सोचा कि लेट्स डू अ बिज़नेस। और ओवर अ नाइट मैंने अपने सिस्टर से डिस्कस किया और मैं कहा लेट्स स्टार्ट अ बिजनेस, और बस लोगो तैयार किया, नाम रखा और फटाफट हमने सारा कुछ कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। तो ये बिजनेस करते हुए कितना अरसा हो गया? अपने ऊपर अप्लाई करते हुए तो साल से ज़्यादा हो गया, ऑफिशियली नाम के साथ लोगों के साथ में अगर हम कर रहे हैं तो मुझे 6 मंथ ऑलमोस्ट हो चुके हैं इसका। 6 मंथ में लोगों का क्या रिस्पॉन्स है? 99% लोगों को जो है ना ये बहुत इफेक्टिव लगता है। लाइक मेरे साथ कल एक इतना अजीब वाकया हुआ है कि एक लड़की ने आके मेरे हाथों पे किस कर दिया है, कहती है मैं आपके हाथ चूमना चाहती हूँ। मैं कहा क्या हो गया, तो कहती है आपका ऑयल बहुत अच्छा है, आपके सीरम बहुत अच्छे हैं, आई जस्ट लव इट, और ये मतलब इस तरह सारा एक मुझे बहुत अच्छा लगा ना। और मेरे पास वो कैमरा नहीं था कि मैं उसको कैप्चर कर लेती मोमेंट को उस टाइम पे। लेकिन ये है कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है कि इसमें स्मेल है, इसकी स्मेल नहीं अच्छी, आप इसमें फ्रेगनेंस डाल दें, क्योंकि ऑर्गेनिक है। मैंने इसके ऊपर बड़ा टैग लगाया हुआ है, नो केमिकल्स, मतलब समझो इस बात को, इफ़ यू हैव सम काइंड ऑफ डिजीज इन योर हेयर दैट्स वाई यू आर अप्लाइंग ऑयल। और ऑयल वो है कि मेडिसन है, मेडिसन तो कभी भी मीठी नहीं होती। राइट, अच्छा मुझे ये बताएं अस्मा, आपके पास क्या क्या है, लाइक ऑयल कौन सा है और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स इसके अलावा? बेस जो मेरी है वो मेरी हेयर ऑयल की है, मैजिकल हेयर ऑयल। और देन उसके साथ में मैंने, मतलब बिफ़ोर वॉश एंड आफ्टर वॉश के लिए भी मैंने सोचा, और अब मैंने रिसेंटली जो है हेयर सीरम लॉन्च किया है फ्यू डेज बैक, और फेस सीरम किया है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम मैंने की थी जो बहुत पसंद की गई है और विद इन अ डेज जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। एक वाइटनिंग क्रीम और एक जो आपके मॉइस्चराइजिंग क्रीम हो जिससे आपके हाथ जो है वो ख़राब ना हो, पैम्पर ना हो, लाइक औरतें घर में बर्तन धो के और इस तरह करके जो वजू के बाद भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसके लिए भी वो बहुत अच्छा रहा था। अच्छा, हेयर ऑयल की तरफ आते हैं कि हेयर ऑयल जो है मार्केट में इतने ज़्यादा बिक रहे हैं और वो ऐसी ऐसी गारंटी देते हैं, 100% गारंटी, आपके बाल दोबारा आ जाएंगे, लंबे हो जाएंगे, गिरेंगे नहीं, दो मुए ख़त्म हो जाएंगे, पता नहीं क्या क्या होता है। तो आप क्या कहती हैं, आपका हेयर ऑयल क्या बात है? मैं भी सेम यही वर्ड बोलती हूँ मेरे भी सेम यही है, मनी बैक गारंटी ये वो, लेकिन अभी तक क्लेम किसी ने भी नहीं इस तरह से किया है कि आप हमारे दें पैसे वापस जना। आप क्या कहते हैं, कितने अप्लायर्स में आपका जो है रिजल्ट आता? गर्ल्स के लिए मैं ये कहती हूँ, फर्स्ट वॉश में आपको फीलिंग आ जाएगी कि यू अप्लाई समथिंग इन योर हेयर। और बॉयज़ के लिए होता है कि एक महीने का टाइम दें, क्योंकि उनके छोटे बाल होते हैं, स्काल्प में नीचे होता है। लाइक मैंने सबसे पहले ये ऑयल अपने ऊपर अप्लाई किया, बच्चों पे किया, कि बच्चों के लिए बहुत लोग पूछते हैं ना कि आप बच्चों पे हम कर सकते हैं कि नहीं, छोटे से लेके बड़े बच्चे तक कर लिया। देन मैंने अपनी अम्मा के बालों में किया जो मेरी मदर है, और शी इज़ अबाउट 60+ 65+ अल्हम्दुलिल्लाह, और उनके रीग्रोथ स्टार्ट हो गई। लाइक अगर उनके रीग्रोथ हो सकती है, वाई कुड नॉट वही हमारे भी हो सकती है, हम तो उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो बाकी ये कि मैंने अपने हस्बैंड के ऊपर अप्लाई किया, आदमी जो होते हैं ना वो इन चीज़ों से काफ़ी ना भागते हैं, लाइक वी हैव नो टाइम टू अप्लाई ऑयल ऑन हेयर और इस तरह। तो उनके डैंड्रफ बहुत ज़्यादा थी विंटर में,
और उन्होंने जब यूज़ की है तो वो कितने सालों की डैंड्रफ इस साल नहीं हुई, तो वो बहुत खुश हुए हैं और मैं बड़ा सरप्राइज होती थी कि वो शीशे के सामने खड़े होकर खुद ही अपना कर रहे होते थे। हाँ, इस ऑयल का ये है कि मैं कहती हूँ मसाज करें आप कम से कम 10 मिनट तक अपने बालों को टाइम दें और रात को लगा के सो जाएं, सुबह उठ के आप धो लें। आप मुझे ये बताएं कि इसको आप क्या कहते हैं, सजेस्ट क्या करते हैं कि वीक में कितनी बार लगाना चाहिए? इफ़ यू हैव अ सीवियर प्रॉब्लम अबाउट हेयर फॉल और डैंड्रफ देन यू कैन अप्लाई और 3 times और अदरवाइज आप 2 times, 2 से कम तो बिल्कुल नहीं करना। अगर कोई मुझे ये कहता है कि हम लगा रहे हैं 14 दिन हो गए, ये हो गया, मैं कहती ऐसे हो नहीं सकता कि आप लगा रहे हो और आपको फ़र्क ना आ रहा हो। मतलब कि इतनी गारंटी है कि इम्पॉसिबल है कि आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं और आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसके अलावा सीरम्स वगैरह भी हैं, तो आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि बचपन से लेके अब तक हम सुनते आए हैं कि हर किसी ने सरसों के तेल के अंदर कुछ ना कुछ डालते हैं, आप कौन से तेल के अंदर क्या डालते हैं? हाँ जी, एग्जैक्टली बेस और जो ऑयल है वो मेरा सरसों ही है, मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल के अंदर आप एलोवेरा ऑयल डाल लें, एलमंड ऑयल डाल लें, इसके अंदर आप कलवंजी का डाल लें, फिर इसके अंदर आप विटामिन ई के कैप्सूल जो कि बहुत ज़्यादा रेयर और कॉस्टली होते हैं वो आप अप्लाई कर लें। देन इसके अंदर प्याज का तेल, प्याज का होता है, अदरक लहसुन का होता है, मतलब सारा नचोड़ जब हम एक चीज़ में अप्लाई कर देते हैं ना तो फिर वही है, हर्ब जितने मर्जी आप डाल लें और उसके बाद में इसका इफेक्ट होता ही होता है। अब बल्कि मैं और रिसर्च कर रही हूँ, एक और ऑयल भी मेरे मुझे किसी ने मेरी जो हैं हेल्पर हैं उन्होंने बताया था कि इसके अंदर आप बाजी मतलब ये यूज़ कर लें, ब्लैक मिर्चें गोल गोल और लौंग ये ऐड कर लें, तो मैंने कहा स्मेल ज़्यादा ही हो जाएगी क्योंकि वो चावलों में भी आ जाए तो बड़ा गंदा लगता है। तो वो कह रही थी कि हम अप्लाई करके देखते हैं क्योंकि इससे भी काफ़ी इफेक्टिव सुना हुआ है। वैसे कहा जाता है कोई भी डिजीज़ हो तो उसको ख़त्म करने के लिए कड़वी से कड़वी दवाई अगर खा सकते हैं तो लगा क्यों नहीं सकते हैं। तो सारी बातों की बात कि आप इतना कुछ डालने के बाद कितने का सेल कर रहे हैं? सेलिंग प्राइस इसकी ना, पहले मैंने 3 bottles रखी हुई थी जो कि सबसे ज़्यादा मोस्टली लोगों ने स्मॉल वन ही यूज़ की थी, फिर मुझे इस तरह ना कुछ सही नहीं लग रहा था, लाइक एवरीवन नीड स्मॉल बॉटल और मैं कहाँ से इतनी ज़्यादा स्मॉल ले आऊँ और मीडियम और लार्ज नहीं हो रही थी। अब मैंने अपना नई बॉटल जो है उसको स्टार्ट किया है और वो मतलब ज़्यादा कर दी है, 200 ml बॉटल है और इसकी प्राइस भी 1200 है। डिलीवरी फ्री इन लाहौर, आउटसाइड मैं सिर्फ डिलीवरी चार्जेस लेती हूँ, इनसाइड डिलीवरी मैं खुद कर लेती हूँ बिकॉज दिस इज़ न्यू। और ये कि बॉटल भी मैंने भरा कर दिया, 200 ml आपको कहीं नहीं मिलती है, मैंने बहुत सर्च किया है, मेरी इंस्टा पे एक और आईडी है, मैं उससे मैसेज कर करके सबसे पूछती हूँ ऑयल कितने का है, क्या प्राइस है, हाउ मच ml, व्हाट इज़ इन, क्योंकि ये मेरा काम है और मैं इस पर बहुत सर्च कर रही हूँ। तो उसमें सबका ही ये है कि कोई मेरे जो है लेवल पर नहीं आ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह लोग यही पूछते हैं आपको इस पे है नॉलेज है, आपको पता है, आपको हो जाएगा, मैं कहा ना हुआ तो मैं भी इधर ही हूँ, आप भी इधर ही हैं, आप कर ले, कोई मसला नहीं। जी नाज़रीन, जैसे कि आप लोगों ने आसमा उस्मान की कहानी सुनी कि किस तरह से ये मोटिवेट अपनी ज़िंदगी से हुई और अपनी डिसेबलपन को बिल्कुल सामने नहीं लेकर आई, एक घर बैठी खातून भी बिज़नेस कर सकती है, बिज़नेस वूमेन बन सकती है। और कहा जाता है कि मर्द हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, मगर ये कहना भी गलत नहीं है कि हर कामयाब औरत के पीछे एक मर्द का हाथ होता है, ख्वाह वो आपका भाई हो, बाप हो, शोहर हो या आपका अच्छा दोस्त हो। तो इसी तरह से आसमा ने भी अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया, 6 माह हो चुके हैं बिज़नेस करते हुए, और ये उन्हीं खातून को मैं कहूँगी जो घर बैठी हैं, डिसेबल हैं और ये सोच कर घर से बाहर नहीं निकलती कि लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ नहीं कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कहते हैं तो कहने दीजिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहें वॉइस ऑफ पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।